आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं मधुरेस्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी वाली ऑडियो के बारे में। फीचर एप्पल की तरफ से आया है एप्पल म्यूजिक के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एप्पल वाले भाई, एंड्रॉइड वाले भाई, सब एक साथ यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे। वेल, इंडियन मार्केट में हम जब भी एप्पल के बारे में बात करते तो हम बात करते हैं महंगा है, इतने पैसे में ये मिल जाएगा, कितने बिक जाएंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एप्पल की सर्विस को लेकर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं मैं कि एप्पल अपनी सर्विसेज के लिए बाकी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में आई डोंट नो व्हाई एप्पल सर्विसेज को लेके फोकस नहीं है, सब कुछ यहाँ पे काफी डिले करके आता है। मतलब प्रोडक्ट इंडिया में आ जाते हैं लेकिन सर्विसेज बहुत डिले होके आती हैं। फिलहाल यहाँ पे एप्पल की तरफ से एक नई सर्विस आ गई है। सर्विस काफी साल पहले आ गई थी, एप्पल म्यूजिक करके एप्लीकेशन लॉन्च हो गया था इंडिया में, लेकिन वो बस सुनने वाला म्यूजिक था, उसमें क्वालिटी नहीं थी। जो एप्पल जाना जाता है क्वालिटी के लिए, वो बात उस एप्लीकेशन के अंदर नहीं थी। तो अब यहाँ पे एप्पल ने लॉसलेस क्वालिटी स्पेशल ऑडियो क्वालिटी लॉन्च कर दिया इंडिया में भी। अभी स्पेशल ऑडियो सुनने के लिए आपको हाई फाई डिवाइसेज चाहिए तो उसको रखते हैं साइड में। अगर हम सिर्फ बात करें लॉसलेस क्वालिटी ऑडियो फाइल्स की, तो यहाँ पे इंडिया में जो लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे जिस तरीके से आप वीडियो के फॉर्मेट देखते हो, जैसे 720p हो गया, 340p हो गया, 1080p हो गया, 4K हो गया, 8K हो गया, ये वीडियो की क्वालिटीज होती है। जितनी अच्छी क्वालिटी वीडियो उतनी साफ दिखती है आपको, उसी तरीके से ऑडियो की भी अपनी क्वालिटीज होती है, जितनी अच्छी क्वालिटी उतना साफ आपको सुनाई देगा। तो ये कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब एक ऑडियो को आप एक्चुअल क्वालिटी में सुनते हो। अभी इंडिया में बात करें अगर, तो 128 kbps या 320 kbps की ऑडियो फाइल्स आपको सुनने को मिलती है। लेकिन बात करें एप्पल म्यूजिक की, तो ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है। ये फीचर फिलहाल iOS के लिए आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी एंड्रॉइड वालों के लिए भी आएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, तो अब शायद एप्पल म्यूजिक में इंडिया में आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगा। तो आपको जाना है अपने एप्पल म्यूजिक में। ये हमने लॉन्च कर लिया एप्पल म्यूजिक। यहाँ पे देखो ऊपर ही आ रहा है स्पेशल ऑडियो यहाँ पे एप्पल की तरफ से, बिकॉज अभी लॉन्च हुआ है, तो एप्पल इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। इसके लिए अलग डेडिकेटेड फाइल्स है यहाँ पे, लॉसलेस हो गया, स्पेशल हो गया, ये सारी फाइल्स यहाँ पे एप्पल ने अपलोड कर दी है। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, इस क्वालिटी के गाने को सुनने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये गाना भी प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे इस गाने की क्वालिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। मैं इसको पॉज करता हूँ, हम जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में जाके आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जाना है एप्पल म्यूजिक में। म्यूजिक में जाके कुछ सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे ऑडियो क्वालिटी के अंदर। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर लॉसलेस ऑडियो का फीचर आ गया है, इसको एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे मोबाइल स्ट्रीमिंग के ऊपर भी आपको हाई रेजोल्यूशन लॉसलेस करना है, क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। वाईफाई में भी सेम करना है और डाउनलोड में भी सेम करना है, ताकि आपकी ऑडियो क्वालिटी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर वो फाइल लॉसलेस क्वालिटी में है तो आपको वही फाइल यहाँ पे सुनने को और डाउनलोड करने को मिले। इतना काम कर लेते हैं हम सेटिंग्स में जाके, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वापस जाना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। और अब अगर मैं इस गाने को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप लॉसलेस क्वालिटी यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। तो यहाँ पे आ रहा है लॉसलेस क्वालिटी, इसके बारे में इसके क्या कोड है सब कुछ लिखा हुआ है। और ऑडियो क्वालिटी सेटिंग्स में आप जाके इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये हो गई लॉसलेस क्वालिटी। तो अब आते हैं अगली बात पे कि ये एयरपॉड्स वाली हवाबाजी क्यों करी मैंने। देखो सिंपल है, एप्पल यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको लॉसलेस क्वालिटी सुननी है तो आप एयरपॉड में या किसी भी वायरलेस डिवाइस में उस क्वालिटी को फील नहीं कर पाओगे। तो उस क्वालिटी को फील करने के लिए आपको किसी भी वायर्ड मतलब जो कि केबल वाली तारें होती हैं, हेडफोन हो गया या ईयरफोन हो गया, उसको कनेक्ट करना होगा और उसके थ्रू ही आप लॉसलेस क्वालिटी को फील कर पाओगे। और यहाँ पे लॉसलेस लिखा हुआ आ रहा है मेरे को अभी भी, कमाल की आ रही है यार, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं इसको हटा के यहाँ पे ईयरफोन लगा के चेक करता हूँ। ये हमने वायर वाले ईयरफोन लगा दिए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। एप्पल के ईयरफोन जो आते हैं जो हमेशा उलझ जाते हैं और इनकी पहेली सुलझाना काफ़ी नामुमकिन हो जाती है। वेल, यहाँ पे इस गाने को फील करते हैं। वेल, तो गाने की जो क्वालिटी है यहाँ पे एनहेंस होके आपको मिलती है। गाना थोड़ा सा लाउड हो जाता है और यहाँ पे बेसिकली आपको हर एक एक बीट सुनाई देती है। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको सुनाऊंगा तो आपके पास लॉसलेस क्वालिटी नहीं पहुँचेगी। ईयरफोन को हटा के अगर आपको लॉसलेस क्वालिटी फील करनी है तो आप उसको डिवाइस पे भी चला सकते हो। आ रही है।
वेल तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन ऑडियो फाइल्स को जब अपलोड करता है तो वहां पे उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है, फाइल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, तो उसको कंप्रेस किया जाता है और इस कंप्रेशन में ऑडियो के अंदर कुछ चीजें जो होती है वो मिस आउट हो जाती है। एप्पल यहाँ पे क्या करता है, एप्पल यहाँ पे अपना कोडेक यूज करता है जिसका नाम है एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक। तो इस फॉर्मेट के अंदर ओरिजिनल ऑडियो फाइल जो होती है एप्पल उसकी हर सिंगल बीट को प्रिजर्व करके रखता है और मेक श्योर करता है कि एक भी बीट वहां से गायब ना हो पाए, और इसी तरीके से जो फाइल होती है वो आपको बिल्कुल एक्चुअल क्वालिटी में सुनने को मिलती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और आ जाती है कि इन टाइप की फाइल्स को सुनने के लिए, ऐसी ऑडियो फाइल सुनने के लिए आपका जो डेटा कंजप्शन है वो बढ़ जाता है क्योंकि इन फाइल्स का साइज काफी ज्यादा होता है। तो ये था एप्पल की तरफ से एप्पल म्यूजिक के अंदर बहुत बड़ा अपडेट और काफी फैंटेस्टिक है। अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज कर रहे हो तो इसे यूज करो और एक्चुअल में आप फील करोगे गाने की क्वालिटी क्या होती है। सो बहुत गा लिया मैंने आपको, मेरी आवाज भी बिल्कुल आपको लॉसलेस टाइप की सुनाई दे रही होगी और कहीं आपको मेरी आवाज से प्यार ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे मिलते हैं, बाय बाय।